सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. Good morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 20th September 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:20 हो रहे हैं. आज जैसे कि फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, वीकली चार्ट, डेली चार्ट और मंथली चार्ट पे एक नजर डालेंगे बैंक निफ्टी के. कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में ये जबरदस्त 150 पॉइंट्स की गिरावट आ गई. लास्ट डे हमने देखा था कि एक इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था और उसके बाद लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक का लो ब्रेक होने के बाद कल हमें और भी 150 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली. क्रूड के प्राइस ने पूरा जो खेल था वो बिगाड़ दिया है. अभी क्रूड के प्राइस जो स्टेबल है, हालांकि जब तक प्रोडक्शन कैपेसिटी नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक ये प्रेशर बना रहेगा. आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, गवर्नमेंट देखते हैं क्या और रिफॉर्म्स और क्या इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए क्या कदम उठाती है वो देखते हैं. अगर इन सबसे भी अगर मार्केट में कोई डिमांड क्रिएट नहीं होता, कंजप्शन नहीं बढ़ता, तो आने वाले समय में निफ्टी इंडेक्स में हमें और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 19 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,884 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,796. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का डेटा हमें कल का कैंडलस्टिक का डेटा हमें प्रेजेंट कर रहा है. तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स का लो पॉइंट हुआ, उसके बाद में ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 10,773 ये अचीव हुआ और उसके बाद सेकेंड टारगेट 10,746 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. और ये सेकेंड टारगेट को भी ब्रेक करने के बाद निफ्टी और भी टुवर्ड साउथ की तरफ मूव किया. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 52 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, हालांकि नासडैक में हल्की सी बढ़त देखने को मिली. यूरोपियन मार्केट देखे तो कल हरे निशान में बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स, चाइना इंडेक्स और हांगकांग मार्केट तीनों भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 28 पॉइंट की इस समय बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 29 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल अभी ग्लोबल मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है. तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या हो सकता है, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे. बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे क्विकली. ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का, यानी एक कैंडल हमें एक मंथ का हाई, ओपन लो और क्लोज वैल्यू हमें प्रेजेंट कर रहा है. तो अभी सिचुएशन क्या है, ये जो 20 ईएमए का ये जो पिंक लाइन है, ये कई सारे महीनों से इसको रिस्पेक्ट कर रहा था. 2016 में 20 ईएमए ब्रेक हुआ था, उसके बाद ये एक यहाँ पर, ये दो यहाँ पर और अभी ये तीसरी बार है ये 20 ईएमए के पास आ चुका है और इस महीने में इसने इसको ब्रेक कर दिया है. हालांकि अभी ये मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, वन वीक बाकी है. तो अगर ये जो प्रीवियस कैंडल यानी अगस्त का ये जो लो है यानी 26,560 को ब्रेक करके इसके नीचे अगर ये क्लोज मिलता है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में और भी प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38.2% का लेवल 24,763 ये यहाँ पर हमें अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है. अगर इस महीने, अभी एक वीक बाकी है, ये प्रीवियस मंथ का ये जो लो है अगर ये ब्रेक होता है तो, हालांकि हो सकता है कि इस लेवल को ये पेनेट्रेट करे और अभी वन वीक बाकी है तो वहां पर ये फिर से इस 20 ईएमए के ऊपर आके ये क्लोज हो, तो ये देखने लायक बात होगी मंथ के एंडिंग में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है. अभी फिलहाल देखें तो वीकली चार्ट पर चलते हैं. वीकली चार्ट में जैसे कि हम लास्ट फ्राइडे के वीडियो में भी कहते आ रहे कि ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, ये ऊपर 50 ईएमए और नीचे 100 ईएमए, इस दायरे के बीच में ये ट्रेड कर रहा है. आज वीक का लास्ट वीक है
लास्ट डे है, तो हो सकता है ये 100 ईएमए क्या जस्ट ऊपर आके फिर से क्लोज हो। 100 ईएमए को काफी सारे वीक से ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर 100 ईएमए के नीचे ये क्लोज होता है तो ही हमें बैंक निफ्टी में और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाई दे सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 100 ईएमए का बना हुआ है, लास्ट डे है इस वीक का, ऊपर 50 ईएमए जो कि 28,300 के पास है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि आज 100 ईएमए के नीचे क्लोज होता है या ऊपर क्लोज होता है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप पैटर्न, ये इसका फर्स्ट टॉप, बाद में ये नीचे आया, फिर इसने सेकेंड टॉप लगा दिया और फिर से ये नीचे आ गया। तो अभी इसका ये जो नेक लाइन बन रहा है ये काफी क्रूशियल है। अगर इस नेक लाइन को ये ब्रेक करता है, इसके नीचे यहाँ पर कोई भी मूव दिखाई देती है, कंफर्टेबल क्लोज होता है, तो और भी हमें बैंक निफ्टी में टुवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये डबल टॉप फॉर्मेशन है। अगर नेक लाइन का ये फिर से सपोर्ट लेता है, क्योंकि पास्ट में देखे तो इसने दो बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करता है तो यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन बन जाएगा। तो आने वाले समय में ये पैटर्न का कंफर्मेशन हमें मिल सकता है। तो अभी नेक लाइन का ये जो सपोर्ट बन रहा है ये काफी क्रूशियल है बैंक निफ्टी के लिए। तो हमने डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस किया बैंक निफ्टी का। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है बैंक निफ्टी के चार्ट के जैसा, यहाँ पर भी वीकली चार्ट है निफ्टी का, यहाँ पर भी अभी लास्ट डे है इस वीक का, तो देख सकते हैं कि 100 ईएमए को ये रिस्पेक्ट करता है या नहीं। 100 ईएमए अभी 10,786 के पास है, अगर ये 100 ईएमए के ऊपर आके क्लोज होता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाई दे सकता है। फिलहाल कई सारे वीक से, 5-6 वीक से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा है यहाँ पर। ऊपर में ये 50 ईएमए का रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे 100 ईएमए का ये सपोर्ट बना हुआ है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी का। डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में भी सेम है, यहाँ पे ये डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर भी बन रहा है, और इसका अगर नेकलाइन ये ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो निफ्टी इंडेक्स में और भी यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये इस नेकलाइन को भी ब्रेक करता है जहां से अभी कुछ दिनों पहले इसने बाउंस बैक दिखाया था, 10,637 का लेवल भी अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में हमें टूवर्ड्स 10,500 तक के लेवल्स हमें निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकते हैं, जहां पर इसने पास्ट में इस लेवल के यहाँ से बाउंस बैक दिखाया था। ये देखिए, तो अगर ये 10,637 का लेवल ब्रेक करता है तो 10,470-500 के पास हमें नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल हो सकता है, और अगर ऊपर इसे जाना है तो फर्स्ट हर्डल तो अभी 20 ईएमए का होगा जो कि पिंक लाइन है, ये अराउंड 10,942 के पास है, ये फर्स्ट हर्डल होगा, और उसके बाद ही यहाँ से कोई अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है अगर 20 ईएमए को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी के लिए। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कहां पर आज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल्स हो सकते हैं ये देखते हैं। कल जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बुलिश कैंडलस्टिक बना है उसके पहले इसने एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया है, यानी यहां से चांसेस है कि ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है, लेकिन क्लियर कट यहां पर डाउन ट्रेंड है। हमने आर्ली चार्ट में आइडेंटिफाई किया था डबल टॉप फॉर्मेशन, ये देखिए, और जैसे इसका नेक लाइन ब्रेक हुआ तो निफ्टी ने यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ एक जबरदस्त मूव दिखाया। तो अभी फिलहाल आज के लिए ब्रेकआउट लेवल बन रहा है इसका, ये जो डोजी कैंडलस्टिक का हाई है ये 10,716 के पास है, अगर इसके ऊपर अगर ये कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,740, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,756, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो इस डोजी कैंडलस्टिक का ये जो लो है 10,670, ये अगर ब्रेक करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इमीडिएट
10,650 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर 10,636 ये हमारा इस सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।